पिछले 3 सालों में गोवा में जब भी कोई संवेदनशील अपराध हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में एक ऑफिसर की काफ़ी अहम भूमिका रही है। चाहे वो मामला किसी भी ज्यूरिसडिक्शन का हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच का हो या किसी जिला पुलिस का, ऑफिसर ने अपनी सीमाओं को लांघकर उस केस को सॉल्व करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस ऑफिसर का नाम है IPS ऑफिसर कार्तिक कश्यप। और जब कार्तिक कश्यप की हम बात करेंगे तो उनकी अर्धांगिनी प्रियंका कश्यप के बिना वो चर्चा अधूरा रहेगा। दोनों ही अपनी 3 साल की सेवा पूरा करने के बाद सर्विस रूल के मुताबिक उन दोनों का तबादला हो चुका है। और जाने से पहले हमसे बात करने के लिए दोनों ही हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। मैम, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 3 साल का जो यहाँ सफ़र रहा है, ख़ासतौर पर हम बात तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही करेंगे, लेकिन शुरुआत हम प्रोफेशनल टॉक से करें। 3 साल में आपने, चाहे वो साउथ गोवा में कोई अपराध हुआ हो या नॉर्थ गोवा में हुआ हो, चाहे वो क्राइम ब्रांच के केसेस हो, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसा रहा है यह सफ़र? प्रोफेशनली मेरे लिए तो गोवा में बहुत अच्छा रहा। जो भी जर्नी थी बहुत प्रोफेशनली सेटिस्फैक्ट्री रहा। जैसे आपने जो कहा, साउथ का शायद कांकुना पुलिस स्टेशन के बिलिमिटेड में कोई जो सबसे पहले विजय पागी रेप एंड मर्डर केस से मेरी शुरू हुई थी यहाँ पे क्राइम ब्रांच में मेरी इनिंग्स। फिर उसके बाद रूबी रेसिडेंसी कोलैप्स केस, तो ऐसे ही बाकी बहुत सारे केसेस। भले ही क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो, बट वी वर एक्टिवली पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन। तो भगवान का दया है और हमारी जो टीम है वो उसकी जो एफर्ट की वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत सारे केसेस ब्लाइंड केसेस थे, इंटरेस्टिंग हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिसमें वी वेर एबल टू अचीव गुड रिजल्ट्स। तो उस बात की सेटिस्फैक्शन हमेशा रहेगी। सर, अगर बात करें तो आपके पास, आप SP क्राइम ब्रांच हैं, आप SP एंटी नारकोटिक सेल हैं, आपके पास साइबर सेल भी है। खासतौर पर आजकल कई साइबर फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वो डिपार्टमेंट है। इसके अलावा भी चाइल्ड एंड विमन जो डिपार्टमेंट है वो भी आपके पास है। ये सारे संभालने में आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अभी तो फिलहाल फिर भी ठीक है, बट ऑलमोस्ट आई थिंक शायद आपको याद होगा, एक साल तो मेरे पास ऑलमोस्ट 12 यूनिट्स के चार्जेस थे, तो तब बड़ी मुश्किल होती थी। बट हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। वी टेक एवरी चैलेंज जो भी है, उस मोमेंट में जो प्रायोरिटी लगती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, एंड सो फार आराम से। मैम, आपकी बात करें, जब आप गोवा पुलिस में आई थी, आपको सबसे पहले नॉर्थ गोवा SP का चार्ज मिला था। आप पहली महिला ऑफिसर थी जो नॉर्थ गोवा पुलिस के SP के तौर पे आई थी, और उसके बाद शायद आज की तारीख में देश की अकेली महिला ऑफिसर है जिसके पास एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का चार्ज है। आपका ये अनुभव कैसा है, शुरुआत अगर करें नॉर्थ गोवा SP की तरफ से? आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, बिकॉज मैं नागालैंड से तबादला होके मेरा गोवा में पहला पोस्टिंग था। सो इट वॉज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस इन ऑल रिस्पेक्ट्स। आई मीन, जो भी केसेस हैंडल करने को मिले, या जो एज़ जिले के जितने भी आप पुलिस स्टेशंस को देख सकते हैं, हमने एक अच्छा यू नो क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन यू नो रेट बनाया। एंड उसके बाद ATS का बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग रहा है, बिकॉज एक बहुत अच्छी टीम हम बना पाए हैं। स्पेशली हमारे जो ऑपरेशनल टीम है उनकी ट्रेनिंग वगैरह को देखते हुए आई कैन डेफिनेटली से दैट यू नो वी आर एट पार। And it's been very satisfying as a lady, more satisfying because very rightly pointed out, you don't have much women taking up this role. So मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट रही है, एक पर्सनल अचीवमेंट के तौर पर भी आप कह सकते हैं कि आई कुड अचीव। एंड यू नो आई मीन
आई एम कंसिडर्ड केपेबल इनफ टू बी यू नो होल्डिंग दिस पोस्ट। बात करें मैम, जिस टाइम पे आपको गोवा ATS का चार्ज मिला था, सच्चाई तो यह है कि गोवा ATS एक चाइल्ड फेज में था। उस टाइम गोवा ATS फॉर्मेशन के मोड में था, पर आपने काफ़ी इनिशिएटिव लिया और उसे न सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान दिया बल्कि गवर्नमेंट के साथ परसुएशन के साथ आपने उन सारे इक्विपमेंट्स के लिए भी, प्रोक्योरमेंट के लिए आपने एफर्ट किए हैं। आज की तारीख में आप जब छोड़ करके जा रही हैं तो आपको कैसे असेसमेंट आप करते हैं गोवा ATS को? मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारी असेसमेंट ऑफ ATS स्क्वाड इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो ब्रिक समिट भी हुआ, उसमें भी एक परफॉर्मेंस यू नो इंडिकेटर के तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि वी आर प्रिटी यू नो वेल ट्रेन्ड एज़ फार एज़ इक्विपमेंट्स इज़ कंसर्न। आप जानती हैं कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर चालू हो चुका है, सो एटलीस्ट छोड़ते समय मुझे इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन है कि सूनर और लेटर यू नो दीज थिंग्स विल बी अक्वायर्ड। एंड मेरा गेस है मैक्सिमम 2-3 महीने में वी शुड बी गेटिंग द इक्विपमेंट्स, स्पेशली आप आई थिंक BP जैकेट्स के बारे में रेफर कर रहे हैं। सो ऑलरेडी प्रोसीजर चालू हो चुका है एंड वी आर एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ इट। सो इट्स एक्सट्रीमली सैटिस्फाइंग बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द एम्स दैट आई हैड। ये मेरे लिए एक टारगेट था कि मैंने अचीव करना है बिफोर आई गो फॉर ATS, बिकॉज आपने सही बोला, जब मैंने ज्वाइन किया था इट वॉज इन वेरी नैसेंट स्टेजेस, इनिशियल फॉर्मेटिव स्टेजेस में थी, बट आई कैन टेल यू दैट कि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप दोनों प्रोफेशनल हैं, आप दोनों के पास भारी जिम्मेदारी है, सच्चाई है, लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूं कि एज यंग कपल आपके पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं वो भी आपको पूरा करना होता है एज हस्बैंड एंड वाइफ, और आपको मूवी देखनी होती है और आप देखते हैं, मुझे पता है। तो इन सारे चीज़ों के बीच में, प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों के बीच में जो टाइम निकालना होता है, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा खासतौर पे आप मैडम को कैसे टाइम दे पाते हैं इन सारे बीच में? जैसे गोवा जैसी शहर में तो आपको पर्सनली भी आपके पास समय रहता है कि एटलीस्ट शाम के कुछ घंटे आप अपने वाइफ के साथ बिता सकते हो। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोफेशनली एंड पर्सनली दोनों तरीके से हम दोनों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा टेन्योर रहा। लोग दैट वेज आर वेरी कंसिडरेट, ज़्यादा आपके स्पेस में इंट्रूड नहीं करते हैं। तो जो भी है, जितना भी समय है, हम कोशिश तो करते हैं और मैडम के साथ टाइम बिताने की पूरी कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अगर बात करें सर, आपको क्यूट कपल कहा जाता है आप दोनों को, आपको डायनेमिक कपल कहा जाता है, आपको हॉट कपल भी कहा जाता है, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए सर, आप दोनों मिले कैसे? आज तक कोई नहीं जानता कि आप लोगों की कहानी क्या है। कि आपके फादर का जो सरनेम है वो कश्यप नहीं है, पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आपने एक कश्यप सरनेम कैसे ऑप्ट किया? नहीं, मैंने तो ऑप्ट नहीं किया था, वो भी जो डिसीजन थी मेरे फादर की थी। जब जनरली हमारे सरनेम भट्ट होता है, मेरे फादर, ब्रदर, जो भी जितने भी मेरे फैमिली में हैं, सब लोगों का सरनेम भट्ट है। मैं मैंगलोर से हूँ, साउथ इंडियन एक कोस्टल बॉय हूँ, और मेरे मामले में माय फादर समाओ उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा जो गोत्र है, जो कश्यप गोत्र है, वो मेरे सरनेम लगाएंगे। तो उसकी वजह से काफ़ी पैन इंडियन एक्सेप्टेंस मिल जाता है। जहाँ पर भी जाता हूँ लोग समझते हैं कि मैं वहीं का हूँ। यूपी में जाता हूँ तो लोग समझते हैं कि हमारा यूपी वाला भैया है। हरियाणा में हरियाणवी समझते हैं। तो इसलिए इट हैज़ हेल्प मी, इट हैज़ गिवन मी एन एडवांटेज जहाँ पे भी गया। बाकी आपका जो अर्लियर जो सवाल था कि मैं इनको, मैडम को कहाँ मिला, हम लोग एक ही बैच के हैं, 2009 बैच के IPS ऑफिसर्स हैं। तो हमारी मुलाकात एकेडमी में हुआ, तो प्रियंका को मैंने वहाँ पे देखा पहले। तो उसके बाद बात बड़ी आगे, और जैसे जो नौजवान लोग होते हैं वैसे ही हम लोग, वी डिसाइडेड, देन आर फैमिलीज आल्सो डिसाइडेड। तो बिना कोई ऑपोजिशन, बिना कोई प्रॉब्लम के फैमिली तक पहुंचने से पहले मैं फिर से वापस मैम आपसे जानना चाहूँगा, एकदम बिल्कुल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, आप उन पुराने पलों को याद करके हमें बताएं कि पहली बार जब आपने मिला या बातें की, व्हाट वाज द इंसिडेंट? आई थिंक या ही हैड ऑलरेडी डन हिज 3 months ट्रेनिंग, आई हैड मिस्ड माय फाउंडेशन कोर्स, सो मैं बिल्कुल नहीं थी टू द बैच
ये लोग ऑलरेडी इनके आपस में ग्रुप्स बन चुके थे जिसकी जहाँ पेयरिंग होनी थी वो भी हो चुकी थी. बट आई रिमेम्बर दैट फर्स्ट टाइम हम लोग हमारा एक ऑफिशियल लंच था इनफैक्ट इंट्रोडक्शन डेज में. पहले 7 दिन इंट्रोडक्शन डेज होते हैं. सो उसमें इन वन ऑफ द लंचेज आर वेरी वेरी सीनियर बैचेज हैड कम. सो मैं अकेली खड़ी थी बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पे एंड आई वॉज न्यू टू द बैच. सो ही केम फॉरवर्ड एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. सो ही वॉज लाफिंग स्माइलिंग. सो मुझे कुछ लगा कि यू नो ही इज यू नो गिविंग सम हिंट्स. बट देन इवेंचुअली यू नो रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे ऑल से. अगर बात करें तो किसने अपने पहले परिवार वालों को कन्विंस किया? पारिवारिक तौर पर अगर मैं पूछूं तो इनविटेशन कहां से कहां पहुंचा? आई थिंक आई विल टेक दैट. सो बेसिकली इनिशियली आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. सो व्हेन ही प्रपोज्ड सो आई ही डिड नॉट यू नो इन द व्हाट यू से इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द वर्ड प्रपोज्ड बट ही वाज थ्रोइंग लॉट ऑफ हिंट्स. सो आई टोल्ड हिम दैट सी आई एम नॉट इन फॉर एनी काइंड ऑफ अ फ्लिंग. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो. So then he said okay and then the next my parents came. In fact my father is very strict. So unhone aake inki baqaida interview li. So uske baad unhone haan bhara and then we knew ki okay things are in order. Lekin aap ye jhoot kaise bol paye ki I don't think anything something about you? Ye jhoot aap kaise bol paye? Ab us samay aapki soch thodi alag hoti hai. Aapko lag raha hota hai ki nahi abhi you know we are at a crucial stage of life. So yeah, agar sir ke sath jo bhi thoda bahut interaction hua office ke bahar, maine dekha hai ki bahut sari ladkiyan sir ki fan hain. Bahut sari ladkiyon ne mujhe bola chahe wo mere colleague ya janne walon ki yaar kisi tarah sir ke sath ek selfie ya photo mujhe khichwana. Same aapke bare mein bhi kuch jo mere colleagues hain wo bolte hain unke incidents bhi main bataunga. Lekin kya shaadi ke baad se kabhi insecurity hoti hai jab sir ke sath koi photo lene ke liye ya selfie ke liye? I am secure about that. Sir, जब कोई लड़का आकर के बोलता है कि मैं सेल्फी चाहिए और आप वहाँ पे होते हैं, how do you react? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैडम को अगर इनको कोई प्रियंका को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर डेफिनेटली ऐसी कोई इनसिक्योरिटी कभी हमारे बीच में कभी टचवुड कभी रही नहीं. और जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी हद तक वी अंडरस्टैंड ईच अदर. सो दैट इज नेवर प्रॉब्लम. मैंगलोर और पंजाब के प्रेम अफेयर की बात करें, लव अफेयर की बात करें और शादी तक पहुंचने में गोवा का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है. जो हमारे मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं श्रीपाद नाइक को बता रहे थे एक बार कि आपके परिवार वालों के जान पहचान है, उन्होंने श्रीपाद नाइक को बताया. आप वो जरा इंसिडेंट बताएं. ओ ये आपको ऑलरेडी मालूम है, दैट इज़ वन ऑफ द गुप्त स्टोरीज ऑफ आज. सो एज आई टोल्ड मेरे फादर काफ़ी यू नो कन्वेंशनल थे एंड ही हैड यू नो उनको चिंता भी थी कि बेटी ठीक से सेटल होनी चाहिए. मेरे दो बड़े भाई भी हैं, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं. उन तीनों का यू नो जो प्रभाव रहा है मेरी फैमिली में वो ऐसे ही कि आई बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट. सो देन वी फाउंड आउट कि कुछ एक कनेक्शन बन रहा था जिनका आपने मैं नाम नहीं लूँगी. सो उनसे फिर हमने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी कि बैकग्राउंड क्या है और सब ठीक है. सो दैट्स हाउ इट मतलब एक पुलिस एक आईपीएस ऑफिसर का भी जो वेरिफिकेशन है वो शादी से पहले पहले करवाया गया. कैरेक्टर एंटीसिडेंट वेरिफिकेशन सब होके इन्होंने हां भरा. उसके बाद आपकी शादी कब हुई? और जहां तक मेरी जानकारी है कि जब आपकी शादी हुई तो आपकी पोस्टिंग गुजरात में और आपकी नागालैंड में थी और शायद आपके सीनियर ऑफिसर्स को लगा कि एक हनीमून पैकेज के तौर पर गोवा पोस्टिंग दी जानी चाहिए इसलिए गोवा पोस्टिंग मिली. ऐसा शायद फैक्चुअली नहीं था. नहीं, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी. रिट्रोस्पेक्टिवली अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली. पर्सनली भी हमें टाइम चाहिए था टू सेटल इन, जो दिल्ली जैसे शहर में शायद मुश्किल होता एट इनिशियल फेज ऑफ आर लाइफ मैरिड लाइफ. हमारी शादी की ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के बाद हम लोग 2.5 साल के बाद हम लोग इकट्ठा मोर देन 2.5 ईयर्स फाइनली दे वेर एबल टू एकोमोडेट अस इन दिस कार्डर. तो पहले ये हमारे देश की बिल्कुल
ईस्टर्न फार ईस्ट, ये फार ईस्ट में थी, मैं फार वेस्ट में था, तो एक दूसरे से मिलने के लिए कम से कम दो दिन की ट्रैवलिंग, एक दूसरे मिलने में छुट्टी का अगर एक हफ्ता 10 दिन छुट्टी मिलता तो 4 दिन ट्रैवलिंग में ही निकल जाता था. सो बट इट इज़ बीन गुड सिंस देन, टच वुड, एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन वेल. लेकिन सर एक इंसिडेंट मुझे पता लगा कि एक बार आप शायद मैडम के साथ ही एक नाइट क्लब में गए थे फन के लिए, लेकिन वहाँ पे एक नाइजेरियन के पीछे आप भागने लगे, तो ऐसे इंसिडेंट्स. नहीं, ऐसे तो होता है ना, व्हेन आप जब भी किसी के साथ भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर कुछ कोई गड़बड़ कर रहा है तो द पुलिस ऑफिसर इन अस हैज टू बी अलाइव, हैज टू कम अलाइव. तो वैसे ही आपने कुछ इंसिडेंट बताया, बहुत पहले की बात है, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गई है. तो हाँ बिल्कुल, उसको हमने फिर काफ़ी चेज वेज करके पीछे भाग के पकड़ा. नहीं, मेरे सवाल पूछने का मतलब यह था कि आप जा रहे हैं एक रोमांटिक मूड में और अचानक वहाँ अंदर का पुलिस जाग जाता है, तो मतलब आपको क्या लगता है, नहीं ठीक है या फिर आप? ट्रू फॉर बोथ ऑफ अस, आई मीन फॉर दैट मैटर, आई थिंक हम दोनों एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि वी बोथ आर वेरी पैशनेट अबाउट आवर वर्क. सो इफ़ ही इज़ ऑन टू समथिंग, अगर ऐसा कुछ एक्टिव मोड आ जाता है तो मैं इक्वली सपोर्ट करती हूँ. एंड मुझे याद है उस टाइम पे हम दोनों ने कॉर्डन सा लगा लिया था, बिकॉज हम दो ही थे. सो एक जगह से जहाँ से ये चेस कर रहा था और दूसरी जगह मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से निकलेगा, वहाँ पे मैं कॉर्डन लगा के खड़ी हो गई थी. सो आई ऑलवेज सपोर्ट हिम एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस, व्हेनेवर ऐसा कुछ ओकेजन होता है, वी बोथ राइज टू द ओकेजन. ऐसा कभी नहीं होगा कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द रोमांस पार्ट ऑफ इट, दैट कैन कम हैपन लेटर ऑल्सो. सर अगर बात करें, आपने कई केसेस हैंडल किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी दिनों तक मीडिया के अटेंशन में रहा है. मैं खुद क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अगर याद आती है तो नंबर ऑफ डेज जो मैंने कंटिन्यू अगर किसी केस पे रिपोर्टिंग की है तो है जायका केस. जायका केस में अगर बात करें तो दिगंबर कामत अकॉर्डिंग टू क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन इज़ द प्राइम सस्पेक्ट. क्या आपको अब जाते जाते इस बात का रिग्रेट है कि उस लॉजिकल कंक्लूजन तक अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, अभी आपको समय बता देगा कि जो भी इसमें जो इन्वॉल्व थे हम सबको लॉजिकल कंक्लूजन तक 100% ले जाएंगे, और तैयारी तो चल रही है. एंड जैसे आपने कहा, इसमें इट्स अ वाइट कॉलर ऑफेंस, मतलब जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है तो काफ़ी ज़्यादा इसकी ओपन एंड्स रहते हैं, जिसको एज इन्वेस्टिगेटर वी नीड टू क्लोज, तो उसमें बिल्कुल समय लगता है. मैम आपसे पूछना चाहूँगा ऐसे ही एक केस के बारे में, समीर सरदाना नाम का एक व्यक्ति डिटेन हुआ था, बाद में उसे छोड़ दिया गया. उसके पास ऐसे मटेरियल्स थे जो कि इंडिकेट करते थे कि उसका टेरर की तरफ कुछ इंक्लिनेशन है, लेकिन आखिर वो निकल गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो उस टाइम पे केस के फ्रेमवर्क था, वी हैव टू ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ. सो जो भी मैं आपको इतना बता सकती हूँ, मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, बट जो भी एक्शन हमने लिया विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ लिया, एंड हमारा लॉ कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हम वी हैव टू रिमेन कंस्ट्रेंट टू इट, विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लॉ वी हैव टेकन द नीडफुल एक्शन, और जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सही रहा है. आपके साथ सर कई लोगों ने काम किया है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कई लोगों ने कहा कि आप किसी से डिस्क्लोज नहीं करते कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है. एक क्लासिक केस इसी जायका से जुड़ा हुआ आपके एक ऑफिसर से मुझे पता लगा कि उसमें कई एक्यूज को आपने पहले बताया कि तुम्हें विटनेस बनाऊंगा, और उसे लाया गया क्योंकि वो पहुँच से बाहर थे, और उन्हें पहले बुलाया गया कुछ और बोल के, बाद में जब यहाँ आए तब उन्हें एक्यूज बनाया गया. व्हाई इट इज़ सो नेसेसरी? नहीं, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हर जगह पे होनी चाहिए, पर्टिकुलरली जब आप हाई प्रोफाइल केसेस सब जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, तो जो कोर टीम के अलावा जो बाकी लोग जो होते हैं उनको हम उनको बस स्पेसिफिक टास्क हम असाइन किया जाता है कि आपका काम ये है. तो एज अ लीडर ऑफ द टीम आपको कभी कभी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो कि केस के इंटरेस्ट में हो, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में जो हो. तो
ये मुझे पता नहीं आपको किसने कहा कि हमने विटनेस बना के फिर उनको एक्यूज्ड बनाया था, बट कुछ कुछ कभी कभी मतलब कुछ चीज़ें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखनी पड़ती है, तभी जाके इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। सर आपके पास साइबर सेल भी है, गोवा में पिछले कुछ दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल कई तरह के फ्रॉड देखने को मिले, और ख़ास तौर पे एटीएम मशीन को टारगेट किया गया, फेसबुक के जरिए दोस्ती करके यहाँ फ्रॉड किया गया। आज की तारीख में इस तरह के जो फ्रॉड बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि गोवा पुलिस या हमारी जो इक्विपमेंट्स है, जो साइबर सेल के पास इक्विपमेंट्स है, आज हमारे पास इनफ मटेरियल्स इनफ स्टाफ हैं इसको टैकल करने के? देखिए आप जानते ही हैं कि दो तीन साल पहले साइबर सेल था ही नहीं बेसिकली, एक ही इंस्पेक्टर था, उसके साथ कोई स्टाफ नहीं था, इट वॉज नॉट इवन ए नोटिफाइड पुलिस स्टेशन, कोई साइबर लैब नहीं था। आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट जिन्होंने इसको एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन बनाया, साइबर सेल को एक ऑफिशियली एक स्ट्रक्चर दी। जो पिछले डीजी सर थे टीएन मोहन सर, उनको मैं उनका आभारी हूँ कि उनकी बहुत हेल्प और कंट्रीब्यूशन की वजह से हमने पब्लिक की सपोर्ट से वी हैव सेट अप अ गुड साइबर लैब, जहाँ पे जितनी भी जो आई वॉन्ट से इट्स एन एग्जॉस्टिव लैब, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें सब कुछ है, बट जितनी चीज़ें जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट वो हमारे पास अभी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये इस बात की सेटिस्फेक्शन तो डेफिनेटली मुझे रहेगी कि यहाँ पे साइबर क्राइम के रिलेटेड, साइबर पुलिस स्टेशन के रिलेटेड, साइबर सेल के रिलेटेड कुछ तो हमने एक वैल्यू एडिशन करके, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एडिशन करके यहाँ से वापस आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे। ऑफिस के बाद जब आप लोग घर पे पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, घर पे जो खाली समय होता है वो कैसे बिताते हैं? जैसे नॉर्मल कपल जैसे होते हैं वैसे मूवीज़ में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं बाहर, और वैसे नॉर्मल कपल से वैसे हम लड़ते भी हैं बहुत सारे, तो ऐसे टाइम निकल जाता है। मैम खाना बनाती हैं घर पे? डेफिनेटली, नॉट वेरी रेगुलरली, बट जब मूड हो और जब मौका मिल जाए तो अच्छा खाना बनाती हैं बोलना ही पड़ेगा अच्छा खाना बनाती। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा सीरियल देखना है या मूवी देखना है? नहीं, ज़्यादा टीवी में ही देखता हूँ, बट मैं ज़्यादा रीडिंग में हूँ एंड ये ज़्यादा टीवी देखते हैं, सो ज़्यादा क्लैशेस नहीं होते, ज़्यादा क्लैशेस नहीं होते हैं, बट जनरली रिच तो इनका ही चलता है, बट रिमोट इज ऑलवेज विद हिम। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है अभी, तो इन्होंने जो ये जो डिसाइड करते हैं वही होता है बेसिकली कौन सा चैनल, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद फिर आप हाई कोर्ट का कोई सुनने वाला नहीं होगा। मैंने एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड मैंने क्वाइन किया है जिसमें आपको बोलना नहीं है, बस इशारे से जवाब देना है, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज़ मी और ये आपको बोलना है, और देखना नहीं है, आपको इंस्टेंट जवाब देना है। मैं पाँच क्वेश्चन है मेरे पास, उसके जवाब आपको देने हैं। गोइंग टू बी ट्रिकी। आप दोनों में सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन होता है? मैं। और घर के जो अफेयर्स होते हैं, घर से जुड़ा हुआ जो बात है, उसके बारे में डिसीजन कौन लेता है? और कौन डिसाइड करता है कि कौन सी फिल्म देखनी है या कौन सा सीरियल देखना है? और क्या घर पे कभी झगड़ा होता है टीवी देखने को या खाना, पर्टिकुलर खाने को कि लिए मुझे ये खाना है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। चलो, आप दोनों का जब झगड़ा हो जाता है तो कौन इनिशिएटिव लेता है मनाने का? गुड गुड। सर सबसे लास्ट में पूछना चाहूँगा एक प्रोफेशनल बात कि गोवा पुलिस के पिछले तीन सालों में आपको कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें खुद अपने स्टाफ के ऊपर करप्शन के चार्जेज आए हैं, आपने इंक्वायरी भी की है कई स्टाफ्स के बारे में, ये हर्ट करता है सर? नहीं, डेफिनेटली जो ओवरऑल जो पुलिस की जो इमेज है उसको काफ़ी डेंट तो होता ही है, इट हर्ट्स द इमेज ऑफ द पुलिस। जो ईमानदारी से जो अपनी कर्तव्य निभाते हैं उनके लिए उनको भी जब उसी वेइंग स्केल में सब लोग तोला जाता है तो वो डेफिनेटली हर्ट करता है, बट
आपने देखा होगा पहले भी शायद ऐसा था, मुझे पता नहीं, बट देयर इज कम्प्लीटली जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स दिस। स्लाइटेस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स में हमने केसेस रजिस्टर किए, भले उसको अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे कभी कभी नहीं ले जा पाते, बट मैसेज वेंट वेरी लाउड एंड क्लियर टू एवरीबडी कि ऐसी कोई भी अगर इंसिडेंट होता है या कोई भी एलिगेशंस ऐसे आते हैं जो जेन्युइन एलिगेशंस हैं तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और शायद इसलिए आप देखें क्राइम ब्रांच में कितने सारे केसेस हमने अपनी कॉन्स्टेबल्स इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स के विरुद्ध हमने रजिस्टर करके उसको हमने। मैम, ऐसे स्टाफ के साथ जिनके साथ आपको काम करना है और अचानक से पता लगता है कि दे आर इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस, कितना मुश्किल होता है? यू गेट इमोशनली अटैच्ड टू योर ऑफिसर्स आल्सो बिकॉज आप एज अ टीम काम कर रहे होते हैं, यू नो, हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है आप यू नो एक साथ बांध कर चल रहे होते हैं, सो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यू नो आपको गुस्सा भी आ रहा होता है बट उस टाइम आपकी जो प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो होती हैं कि आपको केस को आगे बढ़ाना है, यू हैव टू कीप वर्किंग, सो बहुत अनकंफर्टेबल माहौल क्रिएट होता है। एंड आई फील यू नो समटाइम्स कई बारी जो इनोसेंट ऑफिसर्स हैं वो भी इसी में ही पिस जाते हैं, सो दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। बट येस, एज यू राइटली सेड, यू नो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज आप यू नो दिस इज सच अ फील्ड जहाँ पे आप हाथ पकड़ के एक दूसरे का टीम वर्क करते हैं, इट इज़ अ यू नो इट्स वन प्लेस जहाँ पे आप टीम के बिना नहीं काम कर सकते, सो इट्स वेरी क्रैशिंग। कभी आपको ऐसे इंसिडेंट फेस करने पड़े हों जब आप किसी केस पे काम कर रहे हों और आपके को टीम से कुछ लीक होने की वजह से क्राइम डिटेक्ट नहीं हुआ? ऐसे इंसिडेंट तो मतलब आई थिंक हर पुलिस अफसर के लाइफ में तो आता ही है कभी ना कभी। यहाँ पे पर्टिकुलरली गोवा जैसी जगह, बहुत छोटी जगह है, सब लोग सबको जानते हैं, तो ऐसे कभी कभी कुछ लोगों की जो इंक्लिनेशन होती है, कुछ अपनी इक्वेशंस होती हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, बट बाय एंड लार्ज आई वुड से दैट माय टीम हैज़ बीन वेरी लॉयल। 3 साल का जो अनुभव रहा गोवा में काम करने का, गोवा पुलिस में कैसा रहा? मैं अपने लिए तो 100% कह सकता हूँ, मेरे लिए तो ये पर्सनली प्रोफेशनली दोनों तरीके से मेरे लिए एक बहुत अच्छा टेन्योर था यहाँ पे। आई हैव हैड वेरी सेटिस्फाइंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लोग बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छा था, जो पीपल आई थिंक अराउंड मी हैव गिवन एंड डिलीवर्ड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। इट हैज़ बीन वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एंड सभी ऑफिसर्स ने बखूबी यू नो अपना रोल अदा किया है एंड I'm forever grateful for the you know experience I got to have here. Crime reporter के तौर पे मैं भी नया था जब आप लोग आए थे। 3 सालों में आप दोनों ही का बहुत सहयोग मिला, कई स्टोरीज आपसे मिली, लेकिन मैम इमोशन की बात करते हैं, ऐसे तो बहुत ही फ्रेंडली हैं आप रही हैं आउट द ऑफ द ऑफिस और ऑफिस में, लेकिन कई क्रूशियल मौक़ों पे आप एकदम गुस्सा हो जाती हैं और आप बिल्कुल नहीं मुझे बात नहीं करनी। एनीवेज, एज अ क्राइम रिपोर्टर मुकेश कुमार के साथ आपको काम करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। यू हैव बीन वन रिपोर्टर जिसको आई कुड ट्रस्ट एंड आई कुड डेफिनेटली यू नो शेयर यू नो द स्टोरीज विद यू नो आई बीन 100% ऑनेस्ट विद यू एंड यू हैव बीन 100% ऑनेस्ट टू मी, सो आई विल से थैंक यू फॉर ऑल दी यू नो असिस्टेंस यू हैव गिवन टू अस। एंड ऑल्सो यू नो आई रिमेंबर जब हम पहली बार हमारी इंटरेक्शन थी जब मैं डिस्ट्रिक्ट SP नॉर्थ थी एंड आपसे तब मैंने यही बात की थी कि मीडिया हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले यू नो इन बिल्डिंग द इमेज ऑफ पुलिस यू नो जो कि यूजली हम लोग लैक करते हैं। यू नो पीपल डोंट रियली अप्रिशिएट जो हार्डवर्क या जो एफर्ट्स हम लोग डालते हैं, बट आपके माध्यम से आई एम श्योर वी हैव बीन एबल टू डिलीवर दैट मैसेज दैट वी रियली हैव टू वर्क हार्ड एंड यू नो टू अ गुड फॉर्च्यून लाइक ही सेड पीपल हैव बीन वेरी वेरी यू नो नाइस हियर एंड दे हैव अप्रिशिएटेड द गुड वर्क। So you have been very instrumental in helping with that. 3 DGP की बात करें, मुक्तेश चंदर, इससे पहले TN मोहन और उससे पहले किशन कुमार, तीनों ही पहले गोवा में SP के तौर पे आए, बाद में DGP बन करके आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप गोवा में अच्छी यादों को लेकर के जा रहे हैं और एक सीनियर ऑफिसर की तरह फिर से समय पर अपने तरीके से आप वापस आएँ। हमसे बात करने के लिए मैडम आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।